नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास में तृतीया तत्पुरुष। और तृतीया जो तत्पुरुष समास है उसका सूत्र है एक दूसरा। पहले तो हमने पढ़ा था तृतीया तत्कृतार्थिन गुण वचनेन वाला, और आज हम जो सूत्र पढ़ेंगे वो आगे वाला सूत्र है। देखिए कौन सा सूत्र है, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, यह है। और यह सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों, कर्ता और करण में, इसका अर्थ है क्या है, कर्ता और करण में जो तृतीया तदंत सुबंत, जो तृतीया तदंत सुबंत, कृदंत प्रकृतिक सुबंत के साथ, कृदंत प्रकृतिक सुबंत के साथ बहुल करके समास को प्राप्त होता है। बहुल करके समास को प्राप्त होता है। वह तत्पुरुष समास होता है। यह है विद्यार्थियों क्या कहता है ये सूत्र, आप जब देखेंगे तो देखिए, एक तो दिया है कर्ता में या करण में, और कृत से तात्पर्य कृदंत। बहुल प्रकार से समास को प्राप्त होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और अब क्या पढ़ रहे हैं, बहुल करके समास को प्राप्त होता है। एक ही बात है विद्यार्थियों, देखिए इसमें उदाहरण है एक। पहला जो उदाहरण है देखिए, ये है हमारा हरिणा त्रातः, ठीक है विद्यार्थियों, ये तृतीया विभक्ति है, आपको ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति है, तृतीया। और ये कैसा है, कृत है। कृत का तात्पर्य है देखिए, ये तो कर एक, ये आपने एक सूत्र पढ़ा है कारक का, कर्तृ करणयो तृतीया, तो ये तो कर्तृ करणयो तृतीया से इसमें तृतीया आ गई। और ये जो त्रयी है, एक धातु होती है त्रयी, और उससे विद्यार्थियों त प्रत्यय लग करके ये त्रात बन जाता है। तो ठीक है, ये तो हो गया कृदंत, क्योंकि ये कृत प्रत्यय है। तो इसमें ये बताया है कि या तो कर्ता हो या करण हो, सुबंत का तात्पर्य होता है जिसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ हो, यानी या तो कर्ता हो या करण हो, उसका कृदंत के साथ, कृदंत कहते हैं जिसमें कृत प्रत्यय लगे हुए हों। कृत प्रत्यय से तात्पर्य होता है जो प्रत्यय धातुओं में लगाए जाते हैं उनको कहते हैं कृत, और कृत अंत अर्थात कृदंत, कृदंत हो जाता है वो। तो इसमें यही कहा है कि एक तो कर्ता का कृदंत के साथ, और दूसरा उदाहरण है करण का कृदंत के साथ, विकल्प से समास हो जाता है। बहुलक और विकल्प एक ही प्रकार से होता है, तो ये समास हो जाएगा, ये अर्थ है विद्यार्थियों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए इसमें एक दो दोनों उदाहरणों को देखते हैं हम। देखिए पहला तो है इसमें हरि त्रातः, यह है विद्यार्थियों। इसका जब आप लौकिक विग्रह देखेंगे तो ये हो जाएगा हरिणा त्रातः,
और जब इसका अलौकिक विग्रह देखेंगे विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा हरि प्लस, क्योंकि देखो ये तृतीया है तो तृतीया में टा प्रत्यय लगता है एक वचन में, और ये सु है अर्थात ये प्रथमा विभक्ति है तो सु प्रत्यय लगेगा, तो आप लिखेंगे हरि प्लस टा त्रात प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों ये जो है कौन सा कर्तृ करणे कृता बहुलम। सूत्र से बहुल प्रकार से समास, अब ये समास हो जाएगा, फिर आप इसकी क्या है उपसर्जन संज्ञा करेंगे, और ये देखिए ये हो जाएगा हरि प्लस टा प्लस त्रात प्लस सु, ठीक है, और आप सूत्र लगा देंगे कौन सा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ठीक है विद्यार्थियों, और सूत्र से हरि प्लस टा की उपसर्जन संज्ञा फिर उसके बाद आप इसका पूर्व निपात कर देंगे, फिर लिखेंगे हरि प्लस टा प्लस त्रात प्लस सु, और सूत्र लगा देंगे उपसर्जनम पूर्वम, सूत्र से उपसर्जन संज्ञक का पूर्व निपात, इसको निपात या प्रयोग कुछ भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर आप इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे हरि प्लस टा प्लस त्रात प्लस सु, और सूत्र लगा देंगे आप कृतद्यत समासाश्च, सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा फिर समा जो प्रातिपदिक के सुपों का लोप कर लेंगे, ये हो जाएगा हरि प्लस त्रात, और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सूत्र से प्रातिपदिक के सुपों का लोप, ठीक है। फिर इसकी पुनः आप क्या कर लेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा करके आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों ये जो उदाहरण है ये विद्यार्थियों कर्तृकारक में तृतीया का समास है, कर्तृकारक में
तृतीय समास। ठीक है, ये तो क्या है, कर्तृकारक में तृतीय का समास है। अब देखिए, एक शब्द होता है, देखिए आप, नख, नख होते हैं नाखून, तो नख ये माने नाखूनों के द्वारा, ये क्या हो गया, करण हो गया। ठीक है, और एक शब्द होता है भिन्न। भिन्न क्या है, आपने पढ़ा होगा, तो ये भिद धातु होती है और इसमें ता प्रत्यय करके ये शब्द बन जाता है आपका भिन्न। तो ये कैसा हो गया, कृत अंत। कैसा है ये, कृत अंत, जिसके अंत में कृत है उसको कह देते हैं कृत अंत, तो कृदंत। अब इसका जो समास होगा वह करण अर्थ में होगा। पहला हमने पढ़ा कर्ता अर्थ में है, क्योंकि इसमें एक कर्ता अर्थ में होता है, एक करण अर्थ में होता है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, देखिए, नख भिन्नः, ये समास है और इसका जो विग्रह होगा वो होगा नखैः भिन्नः। तो ये करण कारक में तृतीया का समास है। विद्यार्थियों आप लिखेंगे नख प्लस भिस। अब आप कहेंगे भिस क्यों है इसमें, क्योंकि ये बहुवचन है तृतीया का, तो भिस प्रत्यय आता है, और भिन्न भिन्न प्रथमा एक वचन है, इसलिए भिन्न प्लस सु हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो देखिए समास हो गया, फिर इसकी नख भिस भिन्न प्लस सु, तो इसमें क्या है, नख प्लस भिस की इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी विद्यार्थियों। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से नख प्लस भिस की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और फिर इस उपसर्जन संज्ञा का हो जाएगा पूर्व प्रयोग। फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, ये हो जाएगा नख प्लस भिस प्लस भिन्न प्लस सु। और सुपो धातु से सुपों का लोप हो जाएगा, इसकी प्रातिपद संज्ञा होके, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों नख भिन्न। अब इसका आप इसको क्या है, इस नख भिन्न की वही कृतद्य समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, ये जो सूत्र है इससे आप लिखेंगे प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, और फिर इसको क्या कर लेंगे, विभक्ति कार्य कर देंगे, ये हो जाएगा नख भिन्नः। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों तृतीया का हमारा आज एक और सूत्र संपन्न हो जाता है। तो इसके बाद अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो का अन्य व्यक्ति भी फायदा उठा सकें, आपके अन्य साथी जो संस्कृत में हैं वे लाभ उठा सकें, इसलिए विद्यार्थी इसको शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत।